हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एविशन इंस्टीट्यूट। तो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। आज सेकेंड डे होगा, तो चलिए सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट का आज क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले तो डिस्कस करेंगे पजल फॉर्म, यानी कि पिछले दिन जो करे थे सिर्फ लोग बैठे हुए थे, उसका कुछ कलर लाइक या कुछ भी नहीं था, तो आज उस टाइप का एक क्वेश्चन लेके आएंगे। सेकेंड, हम लोग पिछले बार देखे थे एक चीज, एक टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट बहुत पॉपुलर हुआ था, वो क्या था, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, आपको पता नहीं चल रहा था कितना जन है, पर उसको सीट करना था। ठीक है, पिछले बार सिर्फ आप लोगों के पास आया था स्ट्रेट लाइन वाला, सर्किल इस बार आ सकता है, तो सर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाला एक सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पिछले बार जो आया था उसी टाइप का एक इनर एंड आउटर सर्किल वाला। यानी कि इनर सर्किल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, आउटर सर्किल में कुछ लोग बैठे हुए हैं, उस टाइप का एक क्वेश्चन जो कि प्रीलिम्स लेवल में आ सकता है, उस चीज को दिमाग में रखते हुए हम लोग आज ये चीज करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताए, क्या बताएं कि 8 मेंबर्स के एल एम एन ओ पी क्यू आर। तो चलो 8 लोग के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, आर सिटिंग इन अ सर्किल इन व्हिच 3 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। चलो तो 8 लोगों के लिए सेंटर की तरफ जगह बना लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 लोग हो गए। अब क्या बताए थे, 3 मेरा आउटसाइड द सेंटर फेस करते हैं, तो 8 लोग हैं, बच गया कितने सारे लोग, 5 लोग बच गया, तो 5 लोग कहां पर फेस करेंगे, इनसाइड फेस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या बताए वो देख लेते हैं। नेक्स्ट बताए कि ओ सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर इन व्हिच आर इज फेसिंग आउटसाइड। तो चलो मुझे पता है, तो ओ मेरा आर के सेकेंड लेफ्ट में है और उसके बाद आर मेरा आउटसाइड, तो चलो कर लेते हैं, तो आउटसाइड में से एक जन का तो मुझे मिल गया कि आर है, तो आर के सेकेंड लेफ्ट में मेरा ओ है, तो फर्स्ट सेकेंड इधर मेरा ओ है। नेक्स्ट लाइन क्या बताए वो देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन बताए ओ इज फेसिंग इनसाइड, तो ओ मेरा इनसाइड फेस करता है। नेक्स्ट बता, देखो क्या बताए, नेक्स्ट बताए एन सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, तो ओ के थर्ड राइट में मेरा एन है, ओ का डायरेक्शन मुझे पता है, तो राइट यानी कि इस साइड होगा एंटी क्लॉक, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में मेरा एन है। नेक्स्ट लाइन देखो क्या बताए, नेक्स्ट लाइन बताए एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, अब पी के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, एन या ओ, तो ऑब्वियसली सेंटेंस की शुरुआत में एंड से जुड़े है, तो एन मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो P के सेकेंड लेफ्ट में N है, पर इस बार P का डायरेक्शन मुझे नहीं पता, P मेरा इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है, तो चलिए दो केस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो इसमें भी वो सारे चीज जो भी था वो कर लेते हैं। नेक्स्ट बताए क्या बताए थे कि N सीट्स थर्ड सॉरी एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी के सेकेंड लेफ्ट में मेरा एन है, तो चलो पी अगर इधर होता है ये लेफ्ट होना है, यानी कि पी को आउटसाइड फेस करना होगा, अगर पी इधर हुए फर्स्ट सेकेंड लेफ्ट में होना है तो पी को क्या करना होगा, इनसाइड फेस करना होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देखो क्या बताए, नेक्स्ट लाइन बताए क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, क्यू सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, तो लिख लिए क्यू मेरा थर्ड टू द लेफ्ट है के। नेक्स्ट क्या बताए, के इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ओ एंड पी, तो ओ और पी के इमीडिएट नेबर मेरा के नहीं है, तो चलो के मेरा इधर भी नहीं होगा इधर भी नहीं होगा, तो ये दोनों जगह पे के हो सकता है, इस वाले पे देख लेते हैं, के मेरा इधर भी नहीं इधर भी नहीं इधर भी नहीं, तो के लिए जगह खाली कहाँ बचा, सिर्फ इधर, तो के को रख लेते हैं। के थर्ड लेफ्ट में क्यू है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पी है, इधर क्यू नहीं होगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इधर मेरा Q हो जाएगा, तो चलिए Q मेरा K के थर्ड लेफ्ट में है, तो K को किस डायरेक्शन फेस करना होगा, ऑब्वियसली इनसाइड फेस करना होगा। चलिए नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं क्या बताए,
अच्छा इसमें अभी तक मुझे नहीं पता चला, बाद में देखेंगे। तो देखो बताए, अच्छा द पर्सन फेसिंग आउटसाइड आर नॉट सिटिंग टूगेदर, तो जो लोग आउटसाइड है वो सिटिंग टूगेदर नहीं होगा। अब देखो आर मेरा आउटसाइड है, तो इसके आस पड़ोस में आउटसाइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिटिंग टूगेदर। तो ये दोनों की दोनों इनसाइड फेस करेगा, इसमें ये पी मेरा आउटसाइड है तो ये दोनों की दोनों मुझे इनसाइड फेस चाहिए, तो इन दोनों में से कोई एक मेरा आउटसाइड फेस करेगा। इस बारे पे देख लेते हैं, देखो ये आउटसाइड है, ये इन, ये भी इन चाहिए। अब बाकी सब मुझे कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। तो देखो हमें और दो चाहिए मुझे आउटसाइड, देखो एक दो तीन, ये तीन जगह मुझे खाली है। अब देखो आउट इधर और इधर हो जाएगा, ये इन हो जाएगा, तो मेरा ये दोनों आउट लगातार हो जाएगा, तो मुझे इन दोनों में से सिर्फ एक को आउटसाइड कर सकते हैं, तो बाकी एक कौन हो जाएगा, ये वाले भाई साहब हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन इन कौन आउट मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं क्या बताए, नेक्स्ट लाइन बताए कि एन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, एन मेरा एल के इमीडिएट नेबर नहीं है, तो एल मेरा इधर भी नहीं होगा, एल मेरा इधर भी नहीं होगा। तो एल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, एल मेरा हो सकता है या तो इधर हो या तो इधर हो। इस वाले पे देख लेते हैं, एन का इमीडिएट नेबर मेरा एल नहीं है, तो एल के लिए जगह खाली कहाँ बचा, सिर्फ इधर। तो देखो कौन हो गए, तो के एल एम मेरे पास अब तक नहीं हुए इस वाले के लिए, तो एम मेरा इधर हो जाएगा, पता चल गया। तो सब लोग बैठ गए, इसमें अभी तक थोड़ा खाली है, देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन बताए क्या बताए, द सम ऑफ द पर्सन फेसिंग आउटसाइड इज इक्वल टू 44, तो सम ऑफ द पर्सन ये जो आउटसाइड वाले हैं इन लोगों का सम मेरा 44 होना है। अब ये 44 कहां से आ गया, तो देखो नंबरिंग में भी कुछ होगा वो देख लेते हैं। क्या बताए, के इक्वल टू 11, अच्छा एल इक्वल टू 12, एम 13, एन 14 एंड सो ऑन। अब देखो के 11 कहां पर आता है, वो कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला जो ए का पोजीशन है, देखो के का पोजीशन 11 था, इसमें भी 11 डाले, एल का 12, एम का 13, एन का 14, तो ओ का क्या हो जाएगा, वो ई जो टी का थर्ड लेटर 15 हो जाएगा, पी का क्या होगा 16, क्यू का 17, ठीक है, तो ऐसे करके आर का 18 होगा। तो चलो 18 मेरे पास ऑलरेडी है, ये पी मेरा 16 है, तो चलो आर का इस वाले से अगर हुए तो क्या क्या हो जाएगा, 18 प्लस 16 कितना हो गया, 8 और 6 कितना हो गया 14, कैरी 1, तो 1 2 3 34, टोटल कितना होना है 44 होना है, तो 44 में से 34 को माइनस कर दो कितना आ गया 10। अब 10 किसका कोड है, जे का कोड है, जे मेरे पास इधर है कहीं पे नहीं है, तो इस वाले डायग्राम से मुझे आंसर नहीं मिलेगा। तो चलिए इस डायग्राम पे देख लेते हैं क्या बात है, तो R का मुझे पता है 18, L का कितना है, L का है मेरा 12, तो टोटल होना है मेरा 44, तो 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30। अब मुझे 44 से माइनस कर दो 30 को, कितना आ गया 14, अब 14 किसका कोड है, N का, तो मुझे और एक जो आउटसाइड होगा वो मुझे मिल गया, कौन हो जाएगा मेरा, N हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आउटसाइड तीनों को मिला के साम मेरा होना चाहिए 44, तो आउटसाइड मुझे मिल गया R L N। तो चलिए बाकी सब लोग क्या हो जाएगा, इनसाइड फेस करेगा, तो मुझे डायग्राम मिल गया कौन से वाले सही है। तो चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका देख लेते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बताए, फर्स्ट क्वेश्चन बताए हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ L, तो L के थर्ड लेफ्ट में कौन है, L मेरा आउटसाइड फेस कर रहा है तो लेफ्ट मेरा एंटी क्लॉक जाएगा, तो चलो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कौन है मेरा, एम है, तो चलिए एम कौन से वाले ऑप्शन पे है वो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए पे ही मेरा एम है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चले आते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देखो क्या बताए, सेकेंड क्वेश्चन बताए हु अमंग द फॉलोइंग फेस आउटसाइड, तो कौन कौन से लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं, आउटसाइड कौन कौन है, आर एल एन, तो देखो ये तीनों की तीनों कौन से वाले ऑप्शन पे है, आर एल और एन नहीं, फर्स्ट में आर पी एन है, एल नहीं है, सेकेंड में आर के एन है, एल नहीं है, थर्ड में आर पी के ये तो बिल्कुल नहीं है, आर के एल फिर से एन नहीं,
तो लास्ट ऑप्शन में मेरा क्या है, आर एल एन, तीनों की तीनों मेरे पास है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नंबर थ्री क्या बताएं, हु अमंग द फॉलोइंग सीट्स अपोजिट टू एन, तो एन के अपोजिट कौन बैठे हुए हैं, एन के अपोजिट बैठे हुए हैं क्यू, तो कौन से वाले ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर बी पे। चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बताएं, फोर्थ क्वेश्चन बताए इफ आर इज रिलेटेड टू के, तो आर मेरा रिलेट करता है के साथ, तो यानी कि अपोजिट हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, एन इज रिलेटेड टू क्यू, एन मेरा रिलेट करता है क्यू के साथ, ये भी अपोजिट है, तो मुझे लॉजिक मिल गया, क्या लॉजिक हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो अब क्या पूछे, हाउ इज एम रिलेटेड टू, एम मेरा किसके साथ रिलेट करेगा, ओ के साथ रिलेट करेगा, तो चलिए कौन से ऑप्शन पे है वो देख लेते हैं, ओ मेरा ऑप्शन नंबर डी पे है, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए नंबर फाइव का देख लेते हैं, वो क्या बताएं, फाइव का बताए सम ऑफ द पर्सन फेसिंग इन साइड इज इक्वल टू, तो चलिए इन साइड में इतने सारे लोग हैं, तो चलो ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट में कौन है, के का मतलब क्या है, 11, प्लस उसके साथ कौन है, एम है, एम का कितना है 13, फिर कौन है पी का कितना है 16, फिर कौन है मेरा क्यू का कितना है 17, फिर कौन है मेरा ओ का कितना है 15, तो सबको ऐड कर लो कितना हो जाएगा देख लेते हैं, तो देखो कितना हो गया, 7 और 5 12 12 और 6 18 19 20 21 22 कैरी 2, तो 2 3 4 5 6 7 72 हो गया, कौन से वाले ऑप्शन में 72 है, ऑप्शन नंबर सी, तो 5 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वो क्या बताएं, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल अच्छा वर सीटिंग इन अ सर्कल, अब एक चीज याद रखना, जब तक आपको पता है कितने सारे लोग हैं तब तक आप वो लाइन वाला चीज ड्रॉ करोगे, ठीक है, जब आपको पता नहीं है कितने सारे लोग हैं तब आप लोग सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो चलो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कितने सारे लोग हैं। नेक्स्ट देखो क्या बताए, वर सीटिंग इन अ सर्कल फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर, तो जितने लोग भी हो वो सब के सब मेरा सेंटर की तरफ फेस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताए, नेक्स्ट बताए ए वाज सीटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो बी के फोर्थ लेफ्ट में मेरा ए है, तो चलो बी अगर इधर हुए तो फोर्थ लेफ्ट यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में मेरा ए बनेगा। नेक्स्ट क्या बताए वो देख लेते हैं, जे वाज सीटिंग सेवेंथ टू द राइट ऑफ ए के सेवेंथ राइट में मेरा जे बनेगा, तो ए भी मेरा इनसाइड ही फेस कर रहे हैं, ए के सेवेंथ राइट यानी कि एंटी क्लॉक जाना है, आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ राइट में मेरा कौन होगा, जे होगा। चलिए नेक्स्ट क्या बताएं, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी वॉज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड एफ, यानी कि ए और बी के बीच जितने सारे लोग होगा उतने सारे लोग ए और एफ के बीच ही होगा। अब देखो ये कब पॉसिबल होगा, ए के जिस साइड बी है उसके अपोजिट साइड मेरा एफ होगा, यानी कि ए मेरा एफ और बी के बिल्कुल मिडिल में बैठेगा तभी ये पॉसिबल है। तो देखो ए और बी के बीच कितने सारे लोग हैं, तीन लोग हैं, तो चलिए तीन लोगों के बाद इस साइड से हम पकड़ देते हैं एफ को, वो भी इन साइड ही फेस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या बताए वो देख लेते हैं, नेक्स्ट बताए जे वाज द नेबर ऑफ डी हु सीट सेवेंथ पोजीशन फ्रॉम एफ, अब देखो एफ के सेवेंथ पोजीशन बाद डी है, तो देखो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इधर मेरा डी होना चाहिए था, पर बताए डी मेरा जे का इमीडिएट नेबर है, तो इधर डी होता तो डी जे का इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता, तो एफ के हम राइट साइड से डी को नहीं बिठा पाएंगे, तो चलिए लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन है, तो चलो देख लेते हैं कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो डी मेरा इधर हो सकता है, और एक चीज क्या हो सकता था, डी मेरा इधर भी तो हो सकता था, तो चलिए और एक डायग्राम कर लेते हैं, और उस डायग्राम पे हम लोग
क्या करेंगे, जो भी चीज पहले था वो कर लेते हैं। जे के इस साइड हम डी को बनाए थे, अब जे का इस साइड हम डी को बनाएंगे, ठीक है। एफ इधर होगा, एफ के सेवेंथ पोजीशन क्या बताए थे, और एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बताए थे, जे, अच्छा जे वॉज इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड हु सीट्स एट द सेवेंथ पोजीशन फ्रॉम एफ। चलो एफ के सेवेंथ पोजीशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेवेंथ पोजीशन में डी हो जाएगा। बाकी लोगों को भी कर देते हैं, तीन घर बाद मेरा ए होना चाहिए था और तीन घर बाद मेरा एफ होना चाहिए था। तो चलो दो डायग्राम मेरे पास बन गया अभी। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताए। नेक्स्ट बताए कि नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग बिटवीन एफ एंड एम वाज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीटिंग बिटवीन एम एंड डी। तो एम और डी के बीच जितने सारे लोग हैं उतने सारे लोग एफ और एम के बीच भी है। तो यानी कि एम मेरा डी और एफ के बिल्कुल मिडिल पे है कि डी इधर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह जन, तो इधर से मुझे मिडिल नहीं मिलेगा क्योंकि मिडिल के लिए मुझे कितना लोग चाहिए, ऑड नंबर ऑफ पीपल चाहिए। तो इस साइड से देख लेते हैं क्या बताए। तो देखो कितने सारे लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब हो सकते हैं, चार चार लोग दोनों तरफ होगा। तो 1, 2, 3, 4 इधर मेरा एम होगा और 1, 2, 3, 4 चार चार लोग हमने बांट दिए। इस वाले डायग्राम पे भी देख लेते हैं, इधर भी मेरा देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह लोग हैं। तो एफ का लेफ्ट साइड से मुझे नहीं मिलेगा तो राइट साइड से कर लेते हैं। अब गिनो कितने सारे लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 लोग हैं। तो पांच पांच लोगों को इधर उधर कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इधर मेरा एम होगा, 1, 2, 3, 4, 5 तो एम मेरा एफ और डी के बिल्कुल मिडिल में बैठ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्या बताए वो देख लेते हैं। नेक्स्ट बताए के वॉज द नेबर ऑफ जे, तो जे का एक और नेबर है कौन, के। तो देखो जे के इस तरफ डी बैठा हुआ है तो के मेरा दूसरे तरफ होगा, और कोई लोग तो बैठेगा नहीं, तब मेरा ये जो बनाए थे वो गलत हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, जे का इस साइड डी है तो इस साइड हम के को कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बताए, एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो एम मेरा ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। पर इस बार क्या बताए, इस बार मुझे मिल गया ए का इमीडिएट नेबर एम है, तो ये वाला डायग्राम गलत हो गया। तो ये वाला सही होना है वरना हम लोगों ने गलत किए। तो देखो ए का इमीडिएट नेबर ना, ए का इमीडिएट नेबर एम नहीं है, तो ये वाला डायग्राम मेरा सही हो गया। तो चलिए अब कोसेन की तरफ चलते हैं। कोसेन नंबर 6 बता रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ए के रेस्पेक्ट में एम का पोजीशन क्या है। तो फर्स्ट सेकेंड राइट हो सकता है, या घुमा फिरा के भी वो लेफ्ट से भी बोल सकता है, देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है थर्ड टू द लेफ्ट, नहीं ये गलत हो गया, थर्ड टू द लेफ्ट नहीं है। इमीडिएट राइट नहीं है, वो हमने वो जो डायग्राम था वो गलत हो गया। नेक्स्ट क्या बताए थे, सेवेंथ टू द राइट, तो चलो गिन लेते हैं ना, राइट में सिर्फ सेकेंड है, सेवेंथ राइट नहीं होगा। सेकेंड टू द राइट, अब चलो ये मेरे पास सही आ गया तो डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ई भी चेक कर लेते हैं, फिफ्थ टू द राइट गलत है। तो चलिए सेवन का कर लेते हैं क्या होगा। हाउ मेनी पर्सन वॉज सिटिंग इन अ सर्कल, तो सर्कल में कितने सारे पर्सन है, तो चलिए गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अब बच्चे भूल मत जाना कहाँ से गिनना चालू किए थे, हम लोग ए से गिनना चालू किए थे, ठीक है। तो कितने सारे लोग हैं मेरे पास, 19 लोग हैं। तो कौन से वाले ऑप्शन है वो देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 7 का आंसर मुझे मिल गया। अब चलिए नंबर 8 का कर लेते हैं, क्या बताएं। नंबर 8 बताए, हाउ मेनी नोन पर्सन आर सीटिंग बिटवीन ए एंड जे व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ए। तो दो चीजों का बच्चे याद रखना कि ए के लेफ्ट से काउंट करना है, ए और जे के बीच काउंट करना है, एंड नोन पर्सन काउंट करना है। तो ए और जे के बीच लेफ्ट से काउंट करो। तो देखो गलत मत कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 आंसर नहीं होगा। आपके पास आंसर क्या होगा, आपको बताए थे नोन, तो कितने सारे नोन है, 1 एफ, 2
सिर्फ दो नोन है, तो कौन से वाले ऑप्शन पे टू लिखा हुआ है वो देखो, ऑप्शन नंबर डी पे टू लिखा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बताए नंबर नाइन बताए, हु सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी, तो बी के सेकेंड राइट में कौन है, इन साइड फेस कर रहा है राइट, यानी कि एंटी क्लॉक होना है, तो फर्स्ट सेकेंड राइट में कौन है, के है, कौन से वाले ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बताएं, इफ सी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन ए एंड के व्हेन काउंटेड राइट ऑफ ए, तो ए के राइट यानी कि इस साइड से सी मेरा एग्जैक्टली बिटवीन होता है, तो चलिए सी को एग्जैक्टली बिटवीन कर लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 पांच लोग है, तो कितना सारे लोग छोड़ोगे, दो दो लोग छोड़ दो, तो इधर मेरा सी हो जाएगा ए और के के बिल्कुल मिडिल में। नेक्स्ट चीज क्या बताए, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू डी, तो डी के रेस्पेक्ट में सी का पोजीशन, डी के रेस्पेक्ट में कहां होगा, ये मेरा लेफ्ट साइड पे है, कौन कितने लेफ्ट, 1 2 3 4 5 फिफ्थ लेफ्ट में है, कौन से वाले ऑप्शन पे है, ऑप्शन नंबर ए पे मेरे पास फिफ्थ टू द लेफ्ट है, तो आप लोग क्या कर लोगे, ऑप्शन ए सही कर लोगे, नहीं, लास्ट में देखो क्या ऑप्शन है, इधर ए और बी, तो बी का भी चेक करो शायद सही है, 14 टू द राइट, तो चलो गिन लेते हैं, तो डी के 14th राइट में है या नहीं, तो चलो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ ये 14 राइट पे भी है, तो ए और बी दोनों की दोनों आंसर है, ऐसे तो नहीं हो सकता, कौन से वाले ऑप्शन में, इधर वाला केस है, ऑप्शन नंबर ई। तो बच्चे आप लोग सही से पढ़ना, अगर इधर और का ऑप्शन है तो दोनों ऑप्शन एक बार चेक कर लेना कि दोनों तो नहीं है, ठीक है। आज की लास्ट सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ चलते हैं, क्या बताए वो देख लेते हैं। देखो क्या बोले कि 8 पर्सन आर सीटिंग अराउंड 2 concentric circle इन सच अ वे दैट 4 पर्सन सीट इन द इनर सर्कल एंड 4 पर्सन पी क्यू आर एस सीट इन द आउटर सर्कल, ठीक है। तो चलो दो केस बताए, इनर सर्कल भी है आउट सर्कल भी है, तो इनर सर्कल में कौन कौन है, ए बी सी डी, और आउटर सर्कल में कौन कौन है, पी क्यू आर एस। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ करना सीखना होगा, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं क्यों डायग्राम ड्रॉ नहीं किए। नेक्स्ट लाइन बताए, द पर्सन इन द इनर सर्कल फेसेस द पर्सन इन द आउटर सर्कल, तो चलिए ये चलिए आउटर सर्कल हो गया, ये मेरा इनर सर्कल हो गया, तो देखो हम लोग 4 लोग इनर सर्कल में कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो बाकी 4 हम इधर उधर कहीं पे बिठा सकते हैं, पर बताए फेस द आउटर सर्कल, यानी कि ये जो बाकी 4 होगा वो बिल्कुल इसके अपोजिट ही होगा, ठीक है। और एक चीज बताए कि दोनों को फेस करना चाहिए, अब ये फेस कब करेगा, जब इनर सर्कल वाले आउटसाइड फेस करेगा एंड आउटर सर्कल वाले इनसाइड फेस करेगा, तभी ये दोनों फेस कर पाएंगे, वरना ये दोनों फेस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए ये भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक जितने सारे चीज बताए थे वो हम लोगों ने लिख लिए, अब चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्या बताए वो देख लेते हैं। बताए ए फेस आर, आपको पता है ए मेरा इनर सर्कल पे है, आर मेरा आउटर सर्कल पे, तो चलिए ए अगर इधर होता है तो आर मेरा इधर हो जाएगा, हम लोगों ने डिनोट कर लिए। नेक्स्ट लाइन देखो क्या बताए, द वन हु फेस पी, अच्छा यानी कि पी को, पी कहीं पे भी हो सकता है आउटर सर्कल में, पी को जो फेस करेगा वो क्या बताए, सीट एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी के बिल्कुल मिडिल पे होना चाहिए, तो बी को तो मेरा इधर ही होना चाहिए, वरना मिडिल पे नहीं बैठेगा, इधर होगा तो मिडिल पे कोई नहीं है, इधर होगा फिर भी मिडिल पे 2 लोग हैं या तो कोई नहीं है, तो चलो बी का जगह तो मुझे पता चल गया, पर अभी भी पी मेरा इधर भी हो सकता है, इधर भी, दोनों की दोनों ए और बी के मिडिल पे है,
नेक्स्ट लाइन देख लेते हैं क्या बताए. नेक्स्ट लाइन बताए डी फेसेस द वन हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ आर, यानी कि आर के इमीडिएट राइट में जो है उसको फेस कर रहा है डी. ठीक है, तो आर इधर इनसाइड फेस कर रहा है, आर के इमीडिएट राइट यानी कि ये वाला इसको फेस कर रहा है डी, तो डी मेरा इधर हो जाएगा. अब इस वाला तो फेस नहीं कर रहे हैं और ये वाला बता सकते थे कि डी मेरा इधर भी हो सकता है, पर मुझे क्या चीज़ पता है डी मेरा इनर सर्कल पे है ना कि आउटर सर्कल पे. समझ में आ गया, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताए. अभी भी याद रखना बच्चे पी इधर होगा या इधर वो मुझे पता नहीं है. नेक्स्ट देखो क्या बताए, बट डज नॉट फेस पी. अब देखो बट वो पी को फेस नहीं कर रहा है, कौन डी मेरा पी को फेस नहीं कर रहा है, तो पी इधर नहीं होगा तो पी किधर हो जाएगा, ऑब्वियसली इधर हो जाएगा. तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताए. नेक्स्ट लाइन बताए ए सीट्स अपोजिट ऑफ पी, तो पी के बिल्कुल अपोजिट में यानी कि इधर कौन बैठेगा एस. अब बता सकते थे इधर भी बैठ सकता है, पर फिर भी एस मुझे क्या पता है आउटर सर्कल पे है, इधर बैठता तो वो क्या हो जाता इनर सर्कल पे हो जाता, तो पी इधर तो एस इधर हो जाएगा. अब देखो खाली सिर्फ एक एक जगह करके बच गया, तो उधर जो बच गया उसे लिख लेते हैं. तो देखो ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया, बचा कौन सिर्फ मेरा सी बच गया, तो सी मेरा यहाँ पर हो जाएगा. अब चलिए आउटर सर्कल की बारी, पी हो गया, आर हो गया, एस हो गया, तो बचा कौन क्यू बच गया, तो क्यू मेरा किधर हो जाएगा क्यू मेरा इधर हो जाएगा. तो चलिए पूरा डायग्राम बन के कंप्लीट हो गया, छोटा सा डायग्राम है, सिर्फ पहले का जो पार्ट है वो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना था. ठीक है, तो चलिए अब कोसेन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं फर्स्ट कोसेन क्या बताए. तो चलिए कोसेन नंबर 11 क्या बताए वो देख लेते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ए मेरा आउटसाइड फेस कर रहे हैं लेफ्ट यानी कि इस साइड से एंटी क्लॉक जाएगा, सेकेंड लेफ्ट यानी कि फर्स्ट सेकेंड कौन है बी है, कौन से वाले ऑप्शन पे है ऑप्शन नंबर 2 पे है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नंबर 12 क्या बताए. इफ ए रिलेटेड टू एस, ए मेरा रिलेट कर रहा है एस के साथ, चलो ठीक है, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसके अपोजिट एस है, तो हो ना हो ये लॉजिक हो सकता है इमीडिएट लेफ्ट की अपोजिट. नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बताए, बी रिलेटेड टू पी, बी रिलेट कर रहा है पी के साथ, तो बी के इमीडिएट लेफ्ट में जो है उसके अपोजिट पी, तो लॉजिक हमने सही लगाए. अब क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बताए. इन अ सर्टेन वे देन सी रिलेटेड टू, तो सी का इमीडिएट लेफ्ट में कौन है ए है, ए के अपोजिट कौन है आर, तो मेरा आंसर होना चाहिए आर, कौन से वाले ऑप्शन पे है ऑप्शन नंबर 3 पे है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. अब चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताए. नेक्स्ट क्वेश्चन बताए हु इज अपोजिट ऑफ पी, तो पी के अपोजिट में कौन है, देखो सी हो सकता है ठीक है या तो एस भी हो सकते हैं, कौन से वाले ऑप्शन पे है वो देख लेते हैं. तो ऑप्शन है सी ही है, एस मेरे पास ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा सी यानी कि ऑप्शन नंबर 3. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्या बताए. बताए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ए के रेस्पेक्ट में पी का पोजीशन, तो ए के रेस्पेक्ट में पी का पोजीशन, तो चलो देख लेते हैं क्या बताए. अपोजिट ऑफ ए ना. नेक्स्ट बताए अपोजिट ऑफ सी, अच्छा अपोजिट ऑफ सी है. नेक्स्ट क्या बताए अपोजिट ऑफ बी ना, ये गलत है. नेक्स्ट क्या बताए अपोजिट ऑफ द वन हु सीट्स इमीडिएट राइट ऑफ ए, इमीडिएट राइट ऑफ ए सही बात है, ए के इमीडिएट राइट में जो है उसके अपोजिट पी है, तो चलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 बोथ 2 और 4, तो चलो ऑप्शन नंबर 5 हो गया. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बताए. हु इज अपोजिट ऑफ सी, तो सी के अपोजिट में कौन है पी है, कौन से वाले ऑप्शन पे है ऑप्शन नंबर 3 पे है ये वाले आंसर. तो चलिए ये हो गया 11 to 15 का सारा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मेरे पास बन के आ गया. तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, पूरा चीज़ें आप लोगों को होप करते हैं जो भी अब तक बताए वो समझ में आ गया.
आज हम लोगों ने लिए थे पिछले बार 2018 में जिस टाइप का क्वेश्चन देखा गया था प्रीलिम्स में, उसी टाइप का एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ गए। ठीक है, तो होप करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, होप यू एंजॉय।